मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे। सो आज का टॉपिक है हमारा बेटा इफेक्ट, द फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम, फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं बेटा, तो उनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है बेटा वो कंसंट्रेशन चेंजिंग, इन किस में बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में। दूसरा, चेंज इन टेम्परेचर भी आप लोगों को अफेक्ट करेगा इक्विलिब्रियम को, चेंज इन टेम्परेचर भी। तीसरा, चेंज इन प्रेशर भी अफेक्ट करेगा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी अफेक्ट करेगा, अगर आप कैटलिस्ट का कोई अफेक्ट करते ऐड करते हो तो वो भी अफेक्ट करेगा। और लास्ट बेटा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इट आल्सो अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। ओके, सो बात करते किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला जो आप लोगों के पास है वो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। बेटा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट का मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, ये इक्विलिब्रियम को कोई खासा अफेक्ट नहीं करता है, मतलब इक्विलिब्रियम जिस पोजीशन पर आ रहा है उसी पोजीशन पर आएगा। लेकिन ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम को क्विकली जल्दी अराइज करा देता है, अर्ली। समझ में आप लोगों को, मतलब जो इक्विलिब्रियम 15 मिनट बाद आना था रिएक्शन के अंदर, अब वो इक्विलिब्रियम 10 मिनट बाद 12 मिनट बाद ही रिएक्शन के अंदर आ जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इतना ही काम करता है, इक्विलिब्रियम जहां आना था वहीं पर आएगा, लेकिन उसका क्या किया इसने, वो इक्विलिब्रियम हमारा जल्दी अटेन हो जाएगा। क्लियर आप लोगों को। दूसरा है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इसका इफेक्ट देखते बेटा, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, अगर आप लोग कोई भी इनर्ट गैस लाइक नाइट्रोजन, हीलियम, नियोन वगैरह जो भी आपकी गैस है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आप किसी रिएक्शन में, जो रिएक्शन मेरे पास इक्विलिब्रियम में है, क्लियर आप लोगों को, आप उन रिएक्शंस में अगर आप लोग इनर्ट गैस को ऐड करते हो, समझ में आप लोगों को, तो उस ये रिएक्शन भी गैसेस फेज में हो रही है, आप लोग इसके अंदर इनर्ट गैस भी ऐड कर रहे हो, लेकिन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है। तो जब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होगा तो कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि इनर्ट गैस का भी कोई अफेक्ट नहीं होता, इनर्ट गैस का भी कोई अफेक्ट, डज नॉट अफेक्टेड इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करती है बेटा, समझ में आएगा। बट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अगर मैं बात करूं, तो अगर आपकी रिएक्शन गैसेस फेज में हो रही है और एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, तो उस समय रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, समझ में आया आप लोगों को, या रिएक्शन उस डायरेक्शन में ज्यादा मूव करेगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, लार्ज है, मतलब किधर चली जाएगी, आगे की तरफ बेटा, बिकॉज हेयर 2 moles आर प्रेजेंट, हेयर 1 mole ऑफ PCl5 इज प्रेजेंट, सो वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर रिएक्शन कहां चली जाएगी, जहां पर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। क्लियर आप लोगों को, यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला इफेक्ट है बेटा ली चेटलेट प्रिंसिपल, देख लीजिए, मैं सीधी सी बात करूंगा ली चेटलेट प्रिंसिपल की, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, आप लोग चेक कर लेना। ओके, सो ली चेटलेट प्रिंसिपल की स्पेलिंग देख लेते हैं, सही है लगभग प्रिंसिपल। तो क्या बोलता है कि अगर मान लो कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और आप लोग क्या कर रहे हो, उस रिएक्शन के साथ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर में कोई चेंज कर रहे हो, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जहां पर उनका इफेक्ट कैंसिल होगा या कम होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, अगर आप लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करते हो, तो रिएक्शन क्या चाहती है कि मैं इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करूं, समझ में आई आप लोगों को। आप जो काम करोगे रिएक्शन उसका उल्टा करेगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप लोगों ने क्या देखा यहां पर, कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप लोग इंक्रीज कर रहे हो, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन के अंदर जाएगी, बताओ किस डायरेक्शन के अंदर जाएगी, जहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो कम कैसे होगी जब रिएक्शन किधर जाएगी, प्रोडक्ट की तरफ, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, है ना। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो तो डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन उल्टी आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन तुम रिएक्टेंट की डिक्रीज कर रहे हो, तो रिएक्शन क्या आएगी, इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना,
आएगा कहाँ से, यहाँ से आएगा। सिमिलरली आप लोग प्रोडक्ट की टर्म में भी कर सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को आप लोग इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन किधर जाएगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को आप लोग क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, तो आप लोगों की रिएक्शन किधर जाएगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो ली चैडले प्रिंसिपल भी यही बोलता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और आप उसके कंसंट्रेशन टेम्परेचर और प्रेशर के साथ चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी, जिधर वो इफेक्ट कैंसिल होगा या इम्पोज होगा या कम होगा। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की मैं आप लोगों से बात कर रहा था, क्या बात कर रहा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर, मेरे पास मान लो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी इज इक्विलिब्रियम विद सी प्लस डी और प्लस हीट, मतलब ये रिएक्शन कैसे नेचर की है बेटा, एक्सोथर्मिक नेचर की है, ओके। और एक दूसरी रिएक्शन है ए प्लस बी इज इक्विलिब्रियम विद सी प्लस डी और यहां पर आपकी हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, मतलब ये रिएक्शन कैसे नेचर की है, एंडोथर्मिक नेचर की है। अब आप लोगों ने क्या किया, दोनों केसेस के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज किया, आप लोग यहाँ पर भी टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, यहाँ पर भी आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो रिएक्शन क्या चाहती है, उस टेम्परेचर को कम करना। तो देखो रिएक्शन तो एक ही कंटेनर के अंदर हो रही है, टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो इधर टेम्परेचर आप लोगों का पता है क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो रिएक्शन इस टेम्परेचर को क्या करना चाहिए, कम, तो कम करना चाहिए, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी बेटा बताओ, रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की तरफ आएगी। तो जब आप लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, जबकि टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर इंक्रीज होता है। सिमिलरली यहां पर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो टेम्परेचर इधर ज्यादा है, रिएक्शन इसको कम करना चाहिए तो किधर भेजेगी, आगे की तरफ। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है, जबकि टेम्परेचर डिक्रीज करने पर यह बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाती है। तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है, तो आप लोग इस चीज को इजीली आराम से ध्यान रखिए, ओके। नेक्स्ट चलते आगे की तरफ बेटा, और लास्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्या बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर बेटा एक रिएक्शन है N2+3H2=2NS3। अगर आप लोग कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में उसमें फिर प्रेशर को इंक्रीज करना चाहते हो तो रिएक्शन उधर उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स लेस है, कम है। तो इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, चार है, इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, दो है, तो नंबर किधर है, तो रिएक्शन किधर जाएगी बेटा बताओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। रिएक्शन है H2+I2=2HI, अब दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स हैं सेम है, तो इसका मतलब इफेक्ट ऑफ प्रेशर इसके ऊपर ज्यादा वर्क नहीं करेगा, पहले ही नंबर ऑफ मोल्स क्या है दोनों के अंदर सेम है। तो ये बेटा आप लोगों के पास आज की क्लास थी ली चैडलर प्रिंसिपल के ऊपर, तो बाकी बातें हम लोग क्लास के बाद करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखते हैं क्या डिस्कस करना है। सो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।